नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं भी अपने सेशन के लिए। आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका ये बीएड का रहने वाला है ना, ये बीएड वालों के लिए हो जाता है। बीएड वालों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना संविधान मतलब पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। आज जो हमारा रहने वाला है संविधान का लेक्चर नंबर जो बन हो जाएगा, और आप सभी को पता है जो आपका हाल ही में 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें आपको 50 क्वेश्चन जीएस के देखने को मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन का जो वेट रहेगा वो किसका रहेगा, आपको के संविधान का रहेगा। तो ये समझ लो कि आपके संविधान के जो 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप लोग का संविधान पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इस पकड़ के लिए, मजबूत करने के लिए आपके यहाँ पर सीरीज लेकर आए हैं 1000 क्वेश्चन, जो आपका इस मंथली का जो टारगेट है 1000 क्वेश्चन संविधान क्वेश्चनों का, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। तो पहली, आज ये पार्ट अपना एक ही रहने वाला है, ठीक है ना। पार्ट कौन सा रहने वाला है, पार्ट बन ही रहने वाला है, इसको डिस्कस करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आ चुका है, आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का संविधानिक विकास। भारत का संविधानिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टारगेट स्टार्ट करने वाले हैं आज से, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। बात करेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये सभी लोग बताना इनमें से कौन सा अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 था। तो बात करेंगे 1909 की। ये जो 1909 आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये होता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या होता है आपको, ये आपको देखने को मिलेगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था, इसमें आपको सांप्रदायिकता देखने को मिल जाती है, हिंदू मुस्लिम के बीज यहां पर बोए जाते हैं। ध्यान रखना यहां पर ये किससे संबंधित है, ये सांप्रदायिकता से संबंधित है, ये सांप्रदायिकता से यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये किससे मिलेगा, तो आपको ये जो मिलेगा आपको सांप्रदायिकता से देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। बात करेंगे 1919 में क्या आता है, आपको द्वैध शासन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। मतलब जो अपना, अगर हम राज्य प्रांतों की बात करें, प्रांतों में आपको राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं विधान परिषद देखने को मिल जाती है ना। जो प्रांत थे उनमें परिषद देखने को मिलती है, और जो अपना राज्य वगैरह में परिषद है ना। और बात करते हैं जो केंद्र हुआ करता था, केंद्र में यहाँ पर द्वैध शासन लागू हो गया था, और केंद्र में किसको कर दिया गया था, केंद्र में विधानसभा को कर दिया गया था, केंद्र में विधानसभा को कर दिया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि भारतीय में भारतीय विधान परिषद का बजट बहस किस पर किया था। तो बजट का, बजट जो हो जाता है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1992 के तहत क्या हुआ था। बात करते हैं भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की यहां पर अनुमति देखने को मिली थी। मगर बात करें भारत वाले जो लोग थे, इनके लिए संविधान के अंदर एक प्रकार से बात करें कुछ एंट्री कौन से अनुसार के दी गई थी, कौन से अधिनियम के तहत दी गई थी, तो इसका चार्टर आपको देखने को मिलेगा 1833 का चार्टर। कौन सा, 1833 के चार्टर के तहत आपको क्या मिली थी, भारत के लोगों को यहां पर कुछ अधिकार देखने को मिल जाते हैं। ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा। बात करेंगे संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। जो सबसे पहले की बात करेंगे, सबसे पहले यहां पर बात हो रही है जब संविधान सभा गठित तो होती है पहली, उस समय हमारा संविधान बना भी नहीं था, तो उस समय की बात करते हैं। सबसे पहले 1935 की बात है ये, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस प्रकार से यहां पर गठन देखने को मिला था, ये आपको बताना है। सीधे जनता के द्वारा, यह बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, या बात करेंगे भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा, या प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। तो आपको सभी को पता है सबसे पहले प्रांतों के तहत यहां पर चुनावी इलेक्शन देखने को मिले थे। तो आंसर क्या रहेगा, यहां पर जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधायकों के, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था, और प्रदेश 10 लाख जनता पर, कितनी, प्रदेश 10 लाख की जनता पर एक सदस्य आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। एक सदस्य आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, यह भी बात आपको यहां पर याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगी, हमें सूची देखने को मिलेगी। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिएगा तथा सुमिलित के सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर देकर आपको क्या करना है, चूज करना है। सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़ा छोटा करेंगे इसके लिए।
अब इसको देखना है और आपको क्या करना है, आंसर देना है। सूची वन और सूची टू मिलान करना है। पहला दे रखा है नियंत्रक परिषद का स्थापना, मतलब नियंत्रक परिषद की स्थापना कब हुई थी, पहला दे रखा है। फिर देखा जाए तो दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। फिर बात करें इंग्लिश कमिश्नरियों की भारत में कार्य करने की अनुमति, मतलब कह सकते हैं जो इंग्लिश कमिश्नर या फिर बात कर सकते हैं दूसरों जो यूरोपीय देशों की कंपनी वगैरह थी, यूरोप देश की जो कंपनी वगैरह थी वो किसके तहत भारत के अनुसार मतलब कंपनियों को दर्जा दिया गया था कि आप भी हमारे भारत के अंदर आओ और व्यापार कर सकते हो, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। वही बात करें यहाँ देखा है गवर्नर जनरल का परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आंसर क्या रहेगा। चलो देखो बात करते हैं नियंत्रक परिषद की स्थापना, जो नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है वो किसके तहत होती है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में आपको देखने को मिलती है। कितने पिट्स इंडिया तहत के तहत कौन सा नियंत्रक परिषद की स्थापना, एक नियंत्रण परिषद हुआ करता था, ठीक है ना। इसमें आपको दो देखने को मिलते हैं, कौन कौन से देखने मिलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। यहां पर आपको दो चीज देखने को मिलेंगी, एक होता है डायरेक्टर्स और एक आपको देखने मिलेगा कंट्रोलर्स। कौन से, एक डायरेक्टर, एक हो जाता है तुम्हारे डायरेक्टर और एक होता है कंट्रोलर। यहां पर दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो डायरेक्टर होते हैं वो व्यापार को संभालते हैं, वो किसको संभालते हैं, वो आप कहोगे व्यापार को संभालते हैं, और जो कंट्रोलर होते हैं वो राजनीति के लिए संभालते हैं, किसको, राजनीतिक। यहां पर ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना। वही देखा है कि नियंत्रक परिषद की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आपको देखने को ये मिल जाती है। वही बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें 1774 के कब होती है, तो वह होता है रॉलेक्ट एक्ट 1773 के तहत। 1774 में आपको क्या मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखने को मिलती है जो कलकत्ता में होती है, और इसका पहला जो न्यायाधीश बनता है वो भी आपको ध्यान रखना है एलिजा इम्पे होता है। कौन होता है, एलिजा इम्पे देखने को मिलेगा। इधर ले देते हैं कौन मिलता है, यहां पर आपको पहला जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होता है वो कौन होता है, एलिजा इम्पे यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो दूसरे का पहले का हो गया दूसरा और दूसरे का हो गया कौन सा पहला। वही बात करें इंग्लिश कमिश्नरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, देखो बात करते हैं क्योंकि आपको पता है 1913 का जो चार्टर एक्ट आता है इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको चीन में व्यापार करने के लिए और चाय का व्यापार करने के लिए ही अनुमति मिलती है, और बाकी सारा के सारा जो कार्यभार होता है वो ब्रिटिश हाथों के साथ हाथ में चला जाता है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पास में सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार रह जाता है, और बाकी जो ब्रिटिश सरकार होती है वो कहती है कि आपका अधिकार चीन और चाय पर रहेगा और बाकी जो कंपनियां आएंगी वो भी अब व्यापार कर सकेंगी। तो यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ये बात कही गई थी। तो बात करेंगे इंग्लिश कमिश्नरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत दी गई थी, तो आपको यह बहता चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। वही बात करें चौथा दे रखा है तुम्हारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये आपको बस आपको सबको बताया उस समय कौन था, लॉर्ड मैकाले आपको देखने को मिलेगा। कौन मिलेगा, लॉर्ड मैकाले आपको यहाँ पर देखने मिलता है, और लॉर्ड मैकाले के सहयोग से यहाँ पर ये सारे कुछ देखने को आपको मिलता है। इसी के सहयोग से मैकाले की सहयोग से आपको पता है शिक्षा जो हमारी होती है वो लिखित स्टार्ट हो जाती है, एक प्रकार से सब कुछ आपको पता होगी अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो, ठीक है भाई। तो आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा डी का 4। तो अब हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ध्यान से देखेंगे पहले का रहेगा दूसरा, तो दूसरा ये वाला कैंसिल, ये वाला सॉरी कौन कौन से कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बात करते हैं हमारा, देखो ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला कैंसिल, इन दोनों में से एक रहेगा। फिर देखेंगे दूसरे का पहला होगा तो दूसरे का पहला देखेंगे, दूसरे का पहला ये यहाँ पर कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई। और हर चीज को आपको अच्छी प्रकार समझना है और सीखना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे, और हमें अच्छी प्रकार से एक्शन करते हुए हमें पढ़ना है जो कि इस बार हमारा अच्छी प्रकार से एग्जाम जाए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रविधान किया गया था। तो अभी हमने देखा था कलकत्ता में किसका प्रावधान किया गया था, आप हो गए सर्वोच्च न्यायालय का, जिसका चीफ जस्टिस कौन बना था, एलिजा इम्पे बना था। कौन बना था, एलिजा इम्पे, एलिजा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एलिजा इम्पे आपको यहां पर देखने को मिलता है। और तीन अन्य जस्टिस भी होते हैं,
ठीक है ना। तो बात करेंगे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रविधान किया गया था, वह कौन सा था? अभी हमने देखा था रोलेट एक्ट 1773 के तहत। कौन सा? रोलेट एक्ट 1773 के तहत, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने पिट्स इंडिया एक्ट देखा था 1774, इसमें दो भागों में डिवाइड हुआ है। हमने भी देखा था कंट्रोल और किसके बारे में, ये सब कुछ अभी हमने देखा था, ठीक है भाई। चलते हैं आगे की ओर। और हाँ, अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1813 के तहत, चार्टर एक्ट ये भी हमने देख लिया। अभी बचा कौन सा? 1813 में आप हो गए, यहां पर जो देखने को मिलता है 1813 में हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। 1813 का हमारा चार्टर एक्ट आता है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो यहां पर चीन की जो अनुमति होती है वो सारी कुछ यहां पर छीन ली जाती है, ठीक है ना। और 20 वर्षों तक व्यापार यहां पर दिया जाता है। ये सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे आगे भी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे हम। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे सभी लोग, आंसर क्या रहेगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की बात कर रहा है, यहां ध्यान रखना केंद्र की बात कर रहा है। आपको दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, एक तो पूछ लेगा प्रांत देगा या फिर राज दे देगा, राज या फिर प्रांतों की बात करेगा, राज या प्रांतों में द्वैध शासन, या आपसे कहेगा केंद्र में द्वैध शासन। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अगर हमसे वो कहे केंद्र में द्वैध शासन तो वह कौन सा था, तो वह था भारत सरकार अधिनियम, सॉरी अगर हमें राज्य की बात करेगा, किसकी, राज्य और प्रांतों की बात करेगा, तो हमारा आंसर रहेगा कौन सा, 1919। कौन सा? जब हमारे लिए राज्य और प्रांतों की बात करेगा, राज्य और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई थी, क्योंकि राज्य और प्रांतों में किसके तहत हुई थी, एक तो तुम्हारा हो जाता है विधान परिषद, और एक देखने को मिलता है केंद्र के तहत, किस मिली थी, केंद्र के तहत विधानसभा देखने को मिलेगी, जो किसके तहत बंटवारा किया गया था, यह बंटवारा किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। मगर हमसे वो कह रहा है केंद्र के बारे में, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की बात करें, राज्यसभा विधानसभा की बात करते हैं, है ना। तो वह हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भी आपको यहां पर ध्यान कर लेना है। और बात करेंगे सांप्रदायिकता संबंध कौन सा था, ये मार्ले मिंटो था, ठीक है भाई। चलो आगे बात करेंगे, आगे आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मातृ परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर था? तो अभी हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन जब आया था हमारे भारत में, कब आया था, तो आपको 24 मार्च 1946 में आता है, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत। और इसी के तहत क्या होता है हमारे भारत में, हमारे भारत में क्या होता है, तो हमारे भारत में आपको संविधान का निर्माण होता है। तो 24 जो कैबिनेट मिशन भारत आता है उसके तहत कहा जाता है कि एक जनसंख्या, कि 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा, एक सदस्य देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण किस करने का प्रस्ताव किया गया था, यह बताना है किसके तहत किया गया था। सबसे पहले की बात कर रहा है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम की बात कर रहा है। तो बात करता है एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके तहत किया गया था, साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आता है, यह आता है तुम्हारा 4 मार्च 1942 में आपको देखने को मिलेगा ये। तो आपको 1942 डायरेक्ट याद रखना है, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है 8 अगस्त 1942 के अनुसार, ठीक है ना। तो बात करेंगे उस समय आता है ये, उस समय महात्मा गांधी कहते हैं हम आपका सेकंड वर्ल्ड वार में सहायता तो कर देंगे, मगर आपको हमारा संविधान और हमारे देश को मुक्त करना पड़ेगा। तो वह हो जाता है 1942 में आता है साइमन कमीशन, ठीक है ना। चलो नहीं, साइमन कमीशन नहीं होगा, साइमन कमीशन तो आता है तुम्हारा, साइमन कमीशन जो आता है वो आता है तुम्हारा, ये आता है तुम्हारा फरवरी 1928 में आता है अभी, ठीक है ना। ये कब आता है, ये आपका फरवरी 1928 में देखने को मिलता है, ये साइमन कमीशन था, ठीक है भाई, इसके तहत नहीं कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ये भी नहीं। तो कौन सा, क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ठीक है भाई, ये आता है फरवरी 1942 की बात करेंगे, नहीं फरवरी नहीं, मार्च 1942। तो आप मार्च याद मत करना, सीधे 1942 ही देगा आपके एग्जाम में जब देगा, तो 1942 ही आपको याद रखना है, ठीक है।
1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उसी समय महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई हमारी हमारे भारत को स्वतंत्र किया जाए, हम आपका सेकेंड वर्ल्ड वार में सहायता करेंगे, मगर हमारे भारत को स्वतंत्र करना है और आपको संविधान बनाकर निर्माण संविधान बनाकर तैयार करवाना है। तो बिल्कुल वो लोग कहते हैं ठीक है आपको, और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर हमारा प्रस्ताव मान लिया जाता है। तो वही यहाँ पर देखने को मिलेगा, सर्वप्रथम भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो वह किया गया था आपको क्रिप्स मिशन के तहत 1942, ठीक है। चलो, और उसके बाद क्या होता है, जब समाप्त हो जाता है सेकंड वर्ल्ड वार 1945 में, फिर जाकर जो देखने को मिलेगा आपको 1946 में आता है 24 मार्च 1946 को, है ना, 24 मार्च 1946 को क्या मिलेगा, कैबिनेट मिशन भारत आता है 3 लोगों के साथ और हमारे संविधान का निर्माण करवाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। बाकी तो आपको सभी को पता ही होगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, ये आपको देखना है। 1883 की बात कर रहा है, जो इलवर्ट बिल आया था उसमें क्या कहा गया था, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना है। तो बात करेंगे यहां पर, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है ऑप्शनों के लिए। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत और यूरोपीय लोगों की बराबरी कर रखना, या बात करते हैं देश प्रेम कर सकते हैं, इसके लिए देश प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों की विरोधी समझना जाता था, ये बात दो गलत है, वो सिंपल कह रहा है, गलत बात कर रहा है वो। बात करेंगे प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देशी भारतीयों की उनके बैठने के लिए प्रोत्साहित किया सके, ये बात गलत है। ये तो लोग चाहते थे कि भाई इनका परीक्षा में कोई योगदान ना हो, तो इसीलिए इन्होंने कहाँ करवाई थी, लंदन में करवाई थी, है ना, इसीलिए वो लंदन में करवा रहे थे, भारत में वैसे परीक्षा नहीं करवाते थे, क्योंकि ये लोग लंदन ना पहुंच पाएंगे, इतना शिक्षित नहीं है, लंदन कौन पहुंचेगा, है ना, तो इस प्रकार से लंदन में करवाते थे, ये बात गलत है। अगले देखा जाए, यहां देखा है कि सशस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति, ये बात तो वैसी साफ साफ गलत दे रखी है कि देशी रियासतों के लिए कोई हथियार रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। अरे इन पर तो कोई भी बिल्कुल हल्का सा कोई मतलब सभा भी इकट्ठी कर देते थे तब भी वहां पर दंगे हो जाते थे, है ना, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। जब सुभाष चंद्र बोस सभा इकट्ठी कर रहे थे तो उस समय क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस को मतलब जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद में घर में पैक कर दिया जाता है और उन पर निगरानी रखी जाती है, तो ये तो सारे के सारे गलत हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर ऑप्शन नंबर एक ही रहेगा कि जहां तक अदालतों की दांडित आधारिता, जो दंड की आधारिता थी, उसका संबंध था इस पर कि भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी रखना, कि दंड पर जो भागीदारी होंगे वो सभी लोग बराबर होंगे, ये बात यहां पर अपील की गई थी। आगे बात करेंगे, आगे आंसर क्या रहेगा, इसको देखना है सभी लोगों को इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां देखा है संविधान की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, जो संविधान में जो अध्यादेश हम लेते हैं 1, 2, 3 में जो राष्ट्रपति अध्यादेश देता है 1, 2, 3 अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना, हाँ 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वो कह राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो कहां से ली गई है, कौन से अधिनियम के तहत ली गई है, हमसे पूछ रखा है। तो बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कहा गया था अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहां पर दी जाती है, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है जो अनुच्छेद 1, 2, 3 में आपको यहां पर देखने को मिलेगी, मतलब 123 में देखने को मिलती है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, आगे आंसर क्या रहेगा इसको देखना है। बात करेंगे भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, ये किसके तहत बनाई गई थी, ये आपको यहां पर बताना है, कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय विधान पालिका की बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, यहां पर प्रांतों की बात कर रहा है वो। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, वह कब बनाई गई थी विधान पालिका, तो आपको वह बनाई गई थी 1919 के तहत, प्रांत और राज्यों की बात करेगा तब, तो आंसर क्या रहेगा 1919। अगर वो हमें केंद्र की बात करेगा, किसकी बात करेगा, केंद्र की बात करेगा या फिर संघ की बात करेगा, तो आंसर कौन सा रहेगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ध्यान रखना ये विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई थी,
इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसे कहते हैं जिसे क्या कहते हैं आपको के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। मार्ले मिंटो तो क्या लेकर आया था, मार्ले मिंटो तो लेकर आया था, वो तो लेकर आया था आपके लिए क्या आपको के सांप्रदायिकता लेकर आया था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखा है 1919 के भारत सरकार भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या फिर विशेषताएं हैं, तो बताना है भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताएं वो कौन सी थी। तो पहला देखा है प्रांतों की, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पर आपको जो मिलेगी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार मिल जाता है 1919 के तहत, और क्या मिलता है प्रांतों में द्वैध शासन देखने को मिलता है, ठीक है ना, प्रांतों में द्वैध शासन। और बात करेंगे यहां पर कैग देखने को मिलता है, कैग, ठीक है ना, कैग देख मिलता है, और कौन मिलेगा, और यहां पर यूपीएससी देखने को मिलती है, यूपीएससी, यूपीएससी की भी यहीं से ली गई है, यूपीएससी भी जो है वो यहीं से ली आती है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है 1919 से। तो वह क्या 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता उद्देश्य है, तो बताना है प्रांतों की, प्रांतों की बात करा ध्यान रखना, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन किया गया था, बिल्कुल सही बात है, हमने प्रांतों की बात कहा था 1919 में, अभी हम देख रहे हैं प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल नहीं, इसका जो हो जाएगा वो तो 1909 वाला था, 1909 वाला क्या था तुम्हारा मार्ले मिंटो वाला था, ठीक है ना, मार्ले मिंटो सुधार। बात करेंगे इसको देखा जाए केंद्र एवं प्रांतों, केंद्र केंद्र द्वारा प्रांतों की विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, हाँ बिल्कुल सही है, प्रांतों की विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, ये भी बात सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर वन रहेगा, और कौन सा रहेगा, थ्री रहेगा, तो आंसर वन और थ्री इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा इसको देखेंगे। तो भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई, जो भारतीय परिषद थी उसकी समाप्ति जो हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, ये बताना है, बताओ आंसर क्या रहेगा, भारतीय भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी, निकालो। 1919 के तहत, 1919 के तहत, 1947 के तहत, या फिर 1935 के तहत, ठीक है भाई, आंसर क्या रहेगा निकालो भाई। भारतीय परिषद, देखो भारतीय परिषद की बात कर रहा है, क्योंकि भारतीय परिषद बन चुकी थी कब, तो आपको 1946 की बात करें, हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था, है ना, सॉरी संविधान बनके नहीं, यहां पर परिषद का गठन हो चुका था, सभा का गठन हो चुका था, सबको पता है 1935 के तहत, है ना। उसके बाद में हमसे कह रहा है कि नई जो भारत परिषद की समाप्ति जो होती है वो कब होती है, तो हमारा जब भारत आजाद होता है 1947 में, 1947 का जो अधिनियम आता है उसके तहत जो पहले की परिषद होती है उसको स्थगित करके नई परिषद का गठन किया जाता है, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा भारतीय परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत की गई थी, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको जो मिलेगा, यहां पर आपको अखिल भारतीय सेवाएं देखने को मिलेंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। 1919 में हमें क्या मिलेगी, यूपीएससी मिलेगी, यूपीएससी मिलेगी, मगर जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये जो तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये हमें कहां मिलेंगी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मिलेंगी, और यहीं पर हमें अध्यादेश की शक्ति देखने को मिलती है, ठीक है भाई, ये भी आपको यहां पर क्या है ध्यान कर लेना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा इसको देखना है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 हो जाएगा। बात करेंगे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे, ये बताना है। तो बात करेंगे प्रारूप किसने तैयार करती, तो प्रारूप समिति तैयार करती है, वैसे बी एन राव ने क्या करते हैं, बी एन राव तो इसके पूरे पूरे संविधान को इकट्ठा करते हैं जगह बे जगह से, उसके बाद एक समिति बैठाई जाती है जिसका नाम होता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कब आती है ध्यान रखना, 29 अगस्त 1947 की बात है, 1946 नहीं, 29 अगस्त 1900। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है, 47 ही होगा, ठीक है भाई, 47 होगा। तो बात करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 में क्या होती है, प्रारूप समिति गठन करते हैं, यहां पर 7 लोग होते हैं, एक क्या होता है अध्यक्ष, और 6 क्या होते हैं अन्य। यहां पर जो पहले होते हैं वो अंबेडकर जी को बना जाता है, कौन, अंबेडकर के लिए यहां पर पहला अध्यक्ष बना जाता है, बाकी 6 लोग अन्य होते हैं,
तो बात करते हैं भारत में संविधान को प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, अच्छा वो किसको द्वारा नामित किया गया था ये हमको बताना है। तो ब्रिटिश संसद को नामित किया गया था, यह बात करेंगे। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, यह बात करेंगे। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यह बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। मुस्लिम लीग तो पहले यहां से समाप्त हो चुकी थी, 14 की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था जिंदा ने कि हम अलग बनाएंगे, तो उसके बाद में वो तो अलग की बात करेंगे, इसका तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पर रोल ही नहीं है। तो बात करें यहाँ देखा है भारत के संविधान का प्रारूप जो तैयार करने की बात कही गई थी वो किसने, सभी प्रांतों जो प्रांतों की सरकार के द्वारा जो लोग चुने गए थे, जो विधानसभा के लोग चुने गए थे और जो प्रांतों के लोग थे, उन्हीं के तहत क्या होता है एक समिति बनाई जाती है, इसका नाम होता है प्रारूप तैयार करने की समिति, ठीक है ना, प्रारूप तैयार करने की समिति। तो वो कौन सी थी, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, और बात करते हैं विधानसभाओं के द्वारा प्रांतों के द्वारा चुनी गई थी, ये भी बात आपको क्या यहाँ पर ध्यान कर लेना है, ठीक है भाई। चलो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे, इसको देखेंगे, कह रहा है किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो आता है 1933 का चार्टर एक्ट आता है, 1933 का जो हमारा चार्टर एक्ट आता है, इसके तहत क्या होते हैं, भारतीय लोगों को कुछ यहां पर देखने को मिल जाते हैं नियम, ठीक है भाई, कि आप लोग क्या करेंगे, हमारे यहां पर लिखित परीक्षा वगैरह दे सकते हो, ये यहां पर अनुमति दी गई थी। मगर जो लिखित परीक्षा जो बाद में स्टार्ट हुई थी यूपीएससी वगैरह वाली भली, तो वो यहां पर ना होकर कहां हुई थी, वो लंदन में हुआ करती थी। तो इस प्रकार से यहां पर दिक्कत देखने को मिली, और कुछ वैसे भाग लेना यहां पर ही सीमित कर दिया, यहां पर यूपीएससी वगैरह नहीं थी, यूपीएससी तो आती है 1919 की बात है, मगर यहां पर जो है कुछ सीमित तक यहां पर कुछ अधिकार इन्होंने दे दिए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले का जो चार्टर एक्ट आता है उसके तहत कंपनी के यहां पर जो ये होता है, हाँ यहां पर ये भी होता है कि कंपनी के जो सारे अधिकार होते हैं, कंपनी के सारे अधिकार कहां पहुंच जाते हैं, ब्रिटिश सरकार के हाथों पहुंच जाते हैं, कहां पर, ब्रिटिश सरकार के हाथों पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। यहां से कंपनी सिर्फ क्या करती है, कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप में भाग लेती है, राजनीतिक जो मामले होते हैं उसी में सिर्फ कंपनी का अस्तित्व रहता है, और बाकी यहां पर कंपनी तो पहले आ चुकी है, 13 की बात करते हैं तब, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी बात करते हैं स्वतंत्र भारत की विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रखा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट कमेंट में छापेंगे। तो यहां पर सीधे अगर कुछ ना दे रखे तो हमसे स्थायी अध्यक्ष पूछ रखा है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। जो बात करेंगे आपकी 11 दिसंबर 1946 को आपकी क्या मिलेगी, बैठक होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, और जो 9 अगस्त को होती है उसमें आपकी जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, और यहां पर जो राजेंद्र प्रसाद है वो स्थायी अध्यक्ष बनकर चुने जाते हैं। आगे बात करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे, बताओ कौन थे, ये बताना है, कार्यपालक की बात कर रहा है, कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। अगर हमसे सभापति की बात करता तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते, मगर उसने कहा जो 1946 में निर्मित अंतिम सरकार के कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे, तो वह कौन हो जाएंगे, वह अपने नेहरू जी हो जाएंगे, कौन जाएंगे, नेहरू जी हो जाएंगे, इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बात करेंगे विधानसभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने देखा था 11 दिसंबर 1946 की बात की थी जिसमें कौन चुने आते हैं, आपको राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने आते हैं, ये 11 दिसंबर 1946 की बात है, 11 दिसंबर 1946, और सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 में, कब, 9 दिसंबर 1946 में चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं ये, और ये स्थायी अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करेंगे आगे आंसर क्या रहेगा, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं, प्रारूप समिति कब बन गठित होती है, तो ध्यान रखना 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे अखिल भारतीय महासंघ समिति करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय जो महासंघ है वो कौन है, आईएएस है,
आईपीएस है, आईएफएस है, ध्यान रखना तीन ही आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे अखिल भारतीय महासंघ परिषद करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये किसके तहत किया गया था, मैंने कहा था अध्यादेश की बात की थी, मैंने अखिल भारतीय सेवाओं की बात की थी, और जो भाग वगैरह है वो कहाँ जुड़े जाते हैं आप होंगे, वह मिलेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे इसका आंसर क्या रहेगा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की बात कर रहे हैं, भारतीय भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहां पर बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई स्थायी अध्यक्ष हमसे सिंपल पूछ रहा है, तो वह कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, आगे आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां बात करेंगे भारत के लिए संविधान की, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, यह बताना है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था, संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया था वो किसने किया था और किसके तहत हुआ था, ये आपको यहां पर पूछ रखा है। आंसर क्या रहेगा, स्वराज पार्टी जो आई थी 1934 की बात हुई थी उसमें किया गया था, या बात करें कांग्रेस पार्टी में 1936 में किया गया था, या मुस्लिम लीग 1942 में करती है, या बात करें सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में करता है। तो यह क्या है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, ये तुम्हारा आ चुका था कब, ये आ चुका था स्वराज पार्टी के तहत 1934 में। कब, स्वराज पार्टी के तहत 1934 में इसकी प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था। आगे बात करेंगे, आगे इसका आंसर क्या होगा इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है, यह बताना। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है, कौन से नहीं है ये आपको चूज करना है। वह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था, क्या बच्चे वोट देते थे, जन्म लेते थे तुरंत दे देंगे बच्चे वोट, बिल्कुल गलत बात है। बात करेंगे वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर प्रमाणित था, ये बताओ, क्या पहले जो निर्वाचन हुआ करता था राष्ट्रपति का वो डायरेक्ट निर्वाचन हुआ जाता था संविधान का, अरे डायरेक्ट नहीं होता था, ये बात गलत है। वह बहुदलीय निकाय था, हाँ ये बात सही है कि जो कथन संविधान संबंध है वो बहुदलीय निकाय था, बहुत लोगों ने इसको मिलकर इसकी रचना की थी, ये बात बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, हाँ जी, झमटा झंडा समिति हो गई, स्थायी समिति हो गई, संघ समिति हो गई, ये बहुत सारी अल्पसंख्यक समिति हो गई, बहुत सारी आपको समिति देखने को मिलेंगी। तो यहां पर 3 राइट होगा और कौन सा, 4 राइट होगा, तो यहां पर 3 राइट होगा और कौन सा होगा जी, वह बहुदलीय था, वह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है ना, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, नहीं प्रत्यक्ष निर्वाचन तो नहीं होगा भाई, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन तो यहां पर नहीं होगा। यहां पर कुछ अलग दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, हमने तो सही किया मगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन में देखा जाए तो यहां देखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान के विषय में नहीं है, हमसे ये पूछ रखा है, जो नहीं है उनको निकालना है ना। तो हमारा एक नहीं है और दो नहीं है, ये दोनों तो हमारे फिल हो रहे हैं, तो आंसर करेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रखा था, ये तो हमारे होंगे ना भाई, तो हम कह रहे हैं ये तो होंगे भी, तो आंसर कौन से नहीं रहेंगे, ये वाले नहीं रहेंगे, तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई। चले आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा इसको देखेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं, देख लीजिए, दिखेगा नहीं वरना। चलो इसकी बात करते हैं, इसका आंसर कथन ए कथन बी रखा है, तो बात करेंगे केवेल बेबेल योजना के अनुसार, बेबेल योजना के अनुसार क्या कहा गया है, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, समान होती थी, है ना, बिल्कुल सही बात है, कार्यकारी परिषद की बात कर रहा है तब बिल्कुल बराबर होती थी। कारण की बात करेंगे, जितना उनका परसेंटेज था वो होती थी, बात करेंगे कारण क्या था, ये तो कथन हो गया, आप कारण देखें इसका, बात करेंगे बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता,
अगर ऐसी बंटवारा बच जाता तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम तो इकट्ठे हुए थे, है ना, सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हुए थे जब पहली बार चुनाव हुआ था, तो ऐसा कुछ यहां पर गलत दे रखा है। वैसे बात सही है, वैसे बात देखी जाए तो वैसे बात सही है, अगर वैसे बात देखी जाए कि वैसे बात देखी जाए, वैसे बात उसने सही की है कि अगर अगर ऐसी व्यवस्था होती, अगर समान होते तो बिल्कुल हो जाता, मगर वो कार्यकारी की बात कर रहा है। वैसे ये बात सही है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था होती तो भारत का बंटवारा बच जाता। अगर हाँ हिंदू बराबर होते और मुस्लिम बराबर होते तो बंटवारा बिल्कुल बचता, मगर ये डिपेंड नहीं करता कि पहली वाली और दूसरी वाली, बिल्कुल पहली वाला कथन दूसरा कारण जो इस पर आधारित है, तो ये बात गलत है, ठीक है ना। बात दोनों सही है मगर कारण गलत है, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा, कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है, और कथन कारण का सही स्पष्ट करता है नहीं करता। भाई बात है, कथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, यही बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आगे, कथन और कारण होता है, पहले कथन पढ़ते हैं, अगर उस पर कारण डिपेंड है तभी आंसर देंगे, और यह संविधान के अनुसार लागू भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान की बात कर रहे हैं तब, चलो नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। भारतीय संविधान सभा का, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, ये आपको निकालना है। तो सीधी बात है, स्थापना हमसे पूछा कि लागू नहीं पूछा, तो 26 नवंबर 1949 को की गई थी, और इसी समय 26 नवंबर को ही हमारा संविधान डे मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। बात करेंगे भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो बात करेंगे इसका जो आंसर रहेगा वो रहेंगे 12 अधिवेशन हुए थे, कितने, 12 अधिवेशन देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे, आगे आंसर क्या रहेगा इसको देखना है, यहां बात करेंगे संविधान सभा में वैश्विक मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने रखी थी, ये बताना है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा की वैश्विक मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने रखी थी, तो ये कौन आते हैं, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना कलाम आजाद, या बात करें B.R. अम्बेडकर, तो आपको ये वह थे मौलाना कलाम आजाद, कौन थे, मौलाना कलाम आजाद पर देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे, बात करेंगे 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, ये बताना है। बात कर रहा है 1935 के अधिवेशन द्वारा स्थापित संघ की जो अवशेष शक्तियां थी वो किसको दी गई थी, ये आपको यहां पर बताना है। संघ की अवशेष शक्तियां संघीय विधान पालिका को दी गई थी, प्रांतीय विधानमंडल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी, या बात करें यहां पर प्रांतीय गवर्नर को दी गई थी। देखो बात करें उस समय गवर्नर नहीं हुआ करते थे, उस समय जब हमारा भारत आजाद होता है उससे पहले की 1935 की बात है, उस समय क्या हो गया था, उस समय गवर्नर जनरल यहां पर नियुक्त हो चुके थे, आपको सबको पता है। तो आंसर क्या रहेगा, जो शक्तियां निहित थी 1935 के अधीन के तहत, तो वह थी गवर्नर जनरल के अधीन, किसके, गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करती थी, ये भी बात आपको यहां पर ध्यान कर लेना है। आगे बात करेंगे, आगे आंसर क्या रहेगा, 27, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बता, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ की बात कर रहा है हमसे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे, हमेशा जब कभी आपसे पूछेगा संघ लगा कर देगा, तो संघ में कौन बैठे हुए थे, आपको जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे, ठीक है ना, पहले हमारे प्रधानमंत्री, तो संघ में कार्यभार कौन संभालेगा, भाई नेहरू जी ही संभालेंगे। आगे बात करेंगे, आगे आंसर क्या रहेगा इसको देखेंगे, बात करेंगे 28 निकालेंगे सभी लोग इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, बात करेंगे 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, बताओ कौन सा राज्य जो था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण प्रकार से बहुमत प्राप्त नहीं किया था, और मुस्लिम लिंग वहां से जीत गई थी, है ना, मुस्लिम लिंग वहां से जीत गई थी, तो कौन सा प्रांत था, ये आपको यहां पर बताना है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, तो वह कौन था, बंगाल प्रांत था, कौन सा,
बंगाल प्रांत में क्या हुई थी, मुस्लिम ने ज्यादा वोट दिए थे और मुस्लिम की यहाँ पर बहुमत देखने को मिली थी, कांग्रेस यहाँ से पूर्ण पत्रकार से बहुमत प्राप्त नहीं किया था। बात करते हैं किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो वह कौन सी कार्यकारिणी थी जिसमें वायसराय ने वृद्धि की थी। तो वायसराय कब चुनकर आया था, वायसराय सबसे पहला वायसराय कौन था, कौन था, 18 क्रांति से पहले चुना गया था। तो आपको पता है कि किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार मिला था, तो वह हो जाता है 1861। इसका परम सत्य आंसर है कौन सा, 1861। 57 करीब आप यहाँ देख सकते हो, बाकी सब ऊपर है, ये कि आपको मिलेगा 1861। आगे बात करेंगे, इसको देखेंगे, इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। मैं आपको चूज करना है कौन सा नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान होगा। एक बार बताओ 1935 में कह दिया था कि देश के लिखित संविधान होगा, नहीं, उस समय ये बात नहीं रखी थी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही रहेगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेह प्रणति, ये पहली बात हो गई थी इसके बारे में। एक संघ की योजना कर विचार, हाँ ये भी बात सही थी, क्योंकि एकल संघ जो होगा वो ब्रिटिश की देन थी, तो ब्रिटेन पहली बात से चल रही थी। बात करेंगे विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवांचित किया जाएगा, यही बात बिल्कुल सही है, यही बात यहाँ पर चली थी। मगर बात करेंगे देश के लिए लिखित संविधान हुआ था, ये बात यहाँ पर नहीं कही गई थी, ठीक है भाई। चलो ये अब देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करेंगे इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 31। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार बनता, पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था मगर अभी लागू नहीं हुआ है, तो वह आंसर क्या हो जाएगा, वह आंसर 26 नवंबर 1949 ही रहेगा। कौन सा, 26 नवंबर 1949 ही तुम्हारा रहेगा, और इसी समय 26 नवंबर को मनाते हैं, संविधान डे मनाते हैं। ये कह रहा पूर्ण रूप का तैयार हुआ था मगर लागू नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, भारत संविधान कब लागू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है लागू होता है 26 जनवरी 1950 में, ठीक है ना, बनके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में, मगर लागू क्यों नहीं होता है, तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1930 की बात है, 26 जनवरी 1930, इसमें 1929 की बात हो जाती है, 1929 में आपको एक अधिवेशन देखने मिलेगा कांग्रेस का, जिसे कहते हैं लाहौर अधिवेशन। क्या होता है, लाहौर अधिवेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन में ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं, गुजरात की रावी नदी के तट पर, अहमदाबाद की बात करेंगे, रावी नदी के तट पर क्या करते हैं, तिरंगा फैलाते हैं रात के 12 बजे। ये डेट थी तुम्हारी 31 दिसंबर 1929, ये डेट थी। और इसी समय जब बात होती है 26 जनवरी आती है, उस समय एक सभा के तहत कहता है कि हम अपना संविधान लागू कर, हम अपना संविधान बनाएंगे 26 जनवरी 1930 को, अपना संविधान 26 जनवरी 1930 को बनाते हैं। ये संविधान ये एक प्रकार से वहां पर लागू किया था, पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग की गई थी, उसी के तहत 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू किया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखना है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्ताव किसने रखा था, यह बताना है। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो आपको सबको पता है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 की बात है, 13 दिसंबर 1946 को बात है, जो कौन रखते हैं हमारे, हाँ जी कौन रखते हैं, नेहरू जी यहां पर रखते हैं प्रस्ताव। नेहरू जी क्या लेकर आते हैं, उत्तर से प्रस्ताव लेकर आते हैं 13 दिसंबर 1946 को, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान में प्रस्तावना का रूप लेता है, क्या लेता है, प्रस्तावना का यहां पर रूप लेता है, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करेंगे इसका आंसर क्या रहेगा, भारत के संविधान केंद्र और राज्यों के बीच किया गया विभाजन, इनमें से उल्लेखित योजना का अधिकार, इनमें से किस उल्लेखित योजना आधारित है,
ये बताना है। भारत में संविधान है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की गई शक्तियां का विभाजन की बात कर रहा है, तो ये शक्तियों का विभाजन कब किया गया था ये आपको यहां पर निकालना है। निकालो भी आंसर क्या रहेगा, किसकी बात कर रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच की बात कर रहा है शक्तियों का विभाजन। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपको देखने मिलेगा, जो आपको केंद्र में रहेगा संघ, केंद्र में रहेगी आपकी कौन सी विधानसभा, केंद्र में रहेगी विधानसभा, और प्रांत और राज्यों में क्या रहेगी, प्रांत और राज्यों में रहेगी विधान परिषद, क्या रहेगी, विधान परिषद रहेगी। ये बात यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। कौन सा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। द्वैध शासन भी इसी को कहते हैं, महिला को मतदान का अधिकार यहीं मिलता है। यूपीएससी कैग वगैरह यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का भी, इसको देखेंगे, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया। तो भारतीय संविधान अपनाया कब था संसद ने, ये आपको यहां पर सिंपली पूछ रखा है। तो सभी को पता है संविधान, जब संविधान मतलब लागू किस प्रकार से कब हो गया था, संविधान हमारा लागू कब हो गया था, वही हमसे पूछ रखा है। तो अपनाया कब गया था, आपको 1950 में इसे अपना लिया गया था संविधान के अनुसार और लागू हो जाता है, ठीक है भी, कब, 26 जनवरी 1950। तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट का आप बिल्कुल वेट कीजिएगा, कल आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट, और अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन बीएड में ना बच सके, ठीक है भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और अपना अच्छा रिस्पॉन्स देने का, जो कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।